नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी उपलक्ष को लेकर आज हम उत्तराखंड की राजधानी के मशहूर बाजार पल्टन बाजार में मौजूद हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मेरे आसपास कितनी ज्यादा रौनक है और सभी के चेहरों पर एक नई उम्मीद की किरण है कि उनका नया साल बेहद ही अच्छा जाए, स्वास्थ्य से भरा जाए। और इस चीज को लेकर 2022 आ चुका है और 2022 विधानसभा चुनाव यानी नजदीक आ चुके हैं, जिससे सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं उबाल देखने को मिल रहा है। और ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन होगा सीएम का अगला उम्मीदवार और कौन सा जनता चाहती है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आए। इस चीज को लेकर आज हम जनता से उनकी राय जानेंगे कि क्या कौन सी पार्टी को वो वोट देना चाहती है। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये देखना होगा कि कौन होगा सीएम का अगला उम्मीदवार और कौन सी पार्टी जो है सत्ता में आनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या है पार्टी? तो देखो, अभी तक तो ऐसा कुछ क्लियर हुआ नहीं है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी या क्या होगा रुझान का भी ऐसा कुछ पता नहीं है। बाकी सीएम का उम्मीदवार तो उत्तराखंड का ये रिकॉर्ड है कि कोई भी 5 साल आज तक लगातार सीएम नहीं बना यहाँ पर। बीजेपी सरकार ने 3 मुख्यमंत्री चेंज कर लिए, कांग्रेस ने पिछली बार 2 मुख्यमंत्री चेंज करे थे। आगे देखो क्या होता है। सब कहते हैं मैं मंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन विकास किसी से नहीं होता, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी देखो आई है, अभी तक तो कोई स्टैंड है नहीं यहाँ पे आम आदमी पार्टी का। बाकी देखो आगे होता है क्या। तो आपके हिसाब से सत्ता में अगर कोई पार्टी आए जो विकास के मुद्दों को लेकर सच में तनात हो तो कौन सी पार्टी हो सकती है? पार्टी अभी ऐसा कोई भी वो नहीं है पुष्ट की यही होगी, कोई दोनों में से कोई भी आ सकती है। या कांग्रेस की उम्मीद ज्यादा है कि हर बार हर 5 साल में उत्तराखंड की जो जनता है वो चेंज चाहती है, जो कि उत्तराखंड में हुआ भी है ऐसा, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। तो इस बार कांग्रेस की उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी। और मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि ना कि कांग्रेस ने बोला है कि क्या होगा। बाकी हरीश रावत अब तक का उत्तराखंड का सबसे कामयाब मुख्यमंत्री है तो वही बनना चाहिए। तो जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और उत्तराखंड में लगातार ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ रहा है, 4 केसेस उत्तराखंड में आ चुके हैं, तो इसको लेकर जो सरकारें हैं उन्हें इलेक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर जनता की हेल्थ? इलेक्शंस पे कोई सरकार ध्यान नहीं देती है। अभी दिल्ली सरकार ने इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, लेकिन कहाँ जहाँ जहाँ इलेक्शन है, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में या और यूपी में देख लो आप, लगातार रैलियों पे रैलियां हुई जा रही हैं। कोई जनता की कोई मरे कोई जिए कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस अपनी सरकार अपनी गद्दी आनी चाहिए सरकारों को, ये है बस, चाहे वो कोई भी सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है, आप पंजाब में आम आदमी पार्टी को ही देख लो, रैलियों पे रैली करी जा रही है। यूपी में बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को देख लो, रैलियों पे रैलियां करी जा रही है। कोई यहाँ पे आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है हिंदुस्तान में। जैसे कि इन्होंने बताया कि जनता पर सरकारें ध्यान बिल्कुल नहीं देती हैं और सिर्फ वो चुनावी रैलियों में ही व्यस्त हैं और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ है कि उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का खतरा और बढ़ सकता है क्यों अगर 2022 विधानसभा चुनाव होते हैं। इस चीज़ को लेकर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि 2022 विधानसभा चुनाव में सत्ता का हकदार कौन सी पार्टी होनी चाहिए? भारतीय हिंदुस्तानी होना चाहिए, क्योंकि देश के लिए सुधार लाया और देश के लिए सोच रहे हिंदुस्तानी। हमारा तो यही सोच है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे जो भी सोच रहे हैं देश के लिए, हिंदुस्तानी सोच रहे हैं वही आएंगे। जिस हिसाब ने अपना हुलिया बना रखा है तो आप क्या मोदी भक्त है? नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान के सेवादारी हैं, देश के लिए अच्छा सोचते हैं। हम भी हिंदुस्तानियों को कहना चाहते हैं आप भी देश के लिए अच्छा सोचो, हिंदुस्तान अच्छा ही सोचो। तो सीएम के चेहरे पर आप उत्तराखंड की गद्दी में किसे बैठते हुए देखना चाहेंगे? जो उत्तराखंड में है अभी तो है ही बैठे हैं, वही बैठेंगे वही आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम किया, देहरादून में बहुत सुधार लाया उत्तराखंड में, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी जो जय श्री राम की सेना होंगे ना वही उसको ही लाएंगे। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है इस बार धामी सत्ता में आ सकते हैं? धामी आ सकता है, क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं देश के लिए, उत्तराखंड के लिए और हिंदुस्तानियों ने तो देखा ही है। क्या काम किया? अच्छा ही किया भाई, बहुत अच्छा किया है। रेड क्या आपको खुद देखते हो टीवी में, अखबारों में देखो ना, उसके पास जाओ ना। टीवी नहीं तो आप अखबार पढ़ो, अखबार नहीं तो आप
अखबार ने बीटेक कर ली, लेकिन हमें 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 पढ़ना नहीं आता। एक एक पहले इससे भाई आपकी ना सोच गलत है, क्योंकि आप बात आप बातें कर रहे हो, खाली ड्रामा करके दिखा रहे हो बस। हरियाणा के तो हरियाणा की आप सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचोगे ना तो और किसी। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि सीएम की कुर्सी पर आप किसको बैठता देखना चाहेंगे और कौन पार्टी जो है सत्ता में आनी चाहिए। हम सीएम की कुर्सी में जो है धामी जी को चाहते हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाकों का विकास करेंगे, और पार्टी तो वही आनी चाहिए जो हमारे हित में हो, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करे। तो किन मुद्दों को लेकर आप चाहती है कि पहाड़ में किस तरीके का विकास हो? पहाड़ों में तो बहुत चीज़ों का अभी विकास होना बाकी है, कई जगहों रोड की परेशानियां हैं, कहीं गांव में कई चीज़ों के ऐसी मुश्किलें हैं कि जो हमें प्राप्त नहीं है। अभी कई बच्चे बेरोजगार बैठे हैं घर में, बेरोजगारी में बैठे हैं, कोरोना काल में सब लोग बेरोजगार हो रखे हैं। इसी में हम यही कहना चाहेंगे कि सबको जो है सक्षम बनाएं धामी जी, उनको रोजगार दें, हमारे क्षेत्रों पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कुछ अलग से सोचें, जो शहरों में सुविधाएं हैं हमारे गाँव में हमारे क्षेत्रों में भी हर जगह ये सुविधाएं प्राप्त हो, हमारे पढ़ने लिखने के लिए बच्चों के लिए स्कूल की सुविधाएं हो, सब चीज़ का यही है बस। 2022 विधानसभा चुनाव जैसे कि नज़दीक है, इस चीज़ को लेकर सत्ता में आप क्या चाहती कि कौन सी पार्टी रूल करे? बीजेपी। और बीजेपी क्यों? अच्छा काम करती है और सेंट्रल में वही है तो उनका ही होना चाहिए। कौन हो सकता है सीएम की गद्दी पर आपकी? उनका वो है ना कि कौन होगा, वो तो वही कर देखेगा ना कि कौन होगा कौन नहीं होगा, पार्टी देखेगी ना जी। और किस तरीके से आप देखना चाहेंगे कि बीजेपी अगर सत्ता में आए तो किन मुद्दों को लेकर वो आगे काम करे? वह विकास का मुद्दा है बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब सही चल रहा है। उनके बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो देखो अब जब तक कोरोना है तो बेरोजगारी चलती रहेगी, बाकी उसमें सरकार भी क्या कर सकती है। इसके अलावा जैसे कि ओमिक्रॉन का खतरा भी उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है, 4 केसेस आ चुके हैं उत्तराखंड में और चुनाव भी नजदीक है, इस चीज को आप क्या कहेंगे कि चुनाव होने चाहिए, सरकारों को पहले चुनाव पर ध्यान देना चाहिए या फिर जनता की हेल्थ पर? वो तो पब्लिक का हिसाब है देखेगा या गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखेगी कि कैसा चलना चाहिए, गवर्नमेंट ही देखेगी ना। बेरोजगारी, पहाड़ की समस्या, पलायन और शिक्षा व्यवस्था बदहाल जिस तरीके से हो रखी है, इस चीज को लेकर 2022 विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने जा रहे हैं, क्योंकि अब की बार जनता बिल्कुल सोच समझकर इस चीज पे फैसला लेगी कौन हो सकता है सत्ता का असल हकदार जो जनता की समस्याओं पर ध्यान दे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कौन हो सकता है सीएम का असल हकदार? सीएम का असल हकदार तो धामी जी होंगे हमारे, क्योंकि इन्हें बहुत कम चांस टाइम मिला है, बाकी तो पहले तो आपने देखा ही है कुछ भी नहीं हुआ काम यहाँ पे वैसे तो, लेकिन धामी जी जब से आए थोड़ा सा काम सही है। तो जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, पहाड़ की समस्या बढ़ रही है और इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार जनता सवाल उठा रही है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पहाड़ की बदहाली को दूर नहीं किया है, तो इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? जनता तो हमेशा सवाल उठाती है और सही भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ना तो आज तक कांग्रेस की पार्टी में कौन सा ऐसा नहीं हुआ था, कौन सा काम हुआ ऐसा आप बताइए जिससे कि पहाड़ों में नहीं हुआ दिक्कत, लेकिन बाकी तो ये चलता ही रहा है, लेकिन सभी पार्टियों के साथ ऐसा ही है ये। और जिस तरीके से इलेक्शन में रैलियां लगातार बाजार में आप देख सकते हैं किस तरीके से चहल पहल है, काफी सारे लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है और इसके बावजूद भी इलेक्शंस को लेकर सरकारें ढिलाई कर रही हैं कहीं ना कहीं जनता की स्वास्थ्य को लेकर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सबसे पहले रैलियां बंद हो जानी चाहिए, इलेक्शन हो लेकिन बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा इस बार, और जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। मैं सरकार से ज़्यादा जनता को कहता हूँ कि वो जागरूक हो, उन्हें अपने आप में ही बचाव करना पड़ेगा, सरकार कुछ नहीं करेगी और ना आगे किया है ना आगे करेगी इस बार में, इसलिए हमें ही जागरूक होना पड़ेगा, हर जनता को अपने बचाव के लिए अपने आप ही तैयार रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि पहाड़ की समस्या और इन सबको दूर करने के लिए ये चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आए, क्योंकि अभी धामी को कम समय मिला है, इस चीज़ पर अब हम बाकी लोगों से भी राय लेंगे कि क्या असली में जो धामी है वही सीएम के असल हकदार होंगे। 2022 विधानसभा चुनाव में कौन जो सत्ता का असल हकदार होगा, कौन सी पार्टी होगी? अगर हिंदुस्तान को बचाना है, अगर हिंदुस्तान बिके ना, क्योंकि आधा देश बिक चुका है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस को वोट डालना पड़ेगा।
तो आप सोच रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी आए? कांग्रेस ही आएगी। और किन विकास मुद्दों को लेकर आप कांग्रेस को मतदान देंगे? विकास मुद्दे, हर चीज का विकास मुद्दा है। आप दूसरे मुद्दे पूछो। और तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किन विकास मुद्दों पर उन्हें काम करना चाहिए? विकास मुद्दे, बेरोजगारी दूर करनी चाहिए उत्तराखंड की जगह। हर क्षेत्र में इतनी बेरोजगारी है, कुछ कहने की हद नहीं है जी। और इसके अलावा आप क्या कहेंगी कि इस बार जो भी हलचल मची हुई है और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, इस चीज पर सरकार को पहले इलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए या जनता के स्वास्थ्य पर? सरकार इलेक्शन पे ध्यान देगी, जनता के स्वास्थ्य पे नहीं ध्यान देगी किसी भी कीमत पे भी, क्योंकि उसे पैसा चाहिए इलेक्शन से। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि रैलियां लगातार होती रह रही हैं और जनता के स्वास्थ्य पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इलेक्शंस पर ध्यान है, सब पैसा हड़पना चाहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव में कौन सत्ता का सलगदार होगा, कौन सीएम की कुर्सी पर बैठेगा उत्तराखंड? देखो ये तो कुछ जनता के हाथ में है, जो भी है ना, वोटिंग तो जनता ही करेगी, लेकिन ये लगता है कि हमें बीजेपी ही ठीक लगती है, क्योंकि आगे जो है हमने देश को देखना है, पूरे देश को देखना है, एक उत्तराखंड को नहीं देखना, क्योंकि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी के उस पे जो है सब लोग उसी पे हैं। तो उत्तराखंड से कौन हो सकता है आपके लिए सीएम का चयन? तो ऐसा है ना कि अभी तो ये जो चल रहा है धामी चल रहा है, अब अगला तो पता नहीं, अब इनके अंदर जब जो भी आएगी भावना आएगी कौन सरकार क्या होता है क्या नहीं होता है। किन विकास के मुद्दों पर इस बार बीजेपी को सत्ता में उतरना चाहिए? नहीं, बीजेपी तो ये है ना कि ये जो जो भी काम करे जनता के लिए कर रही है, कर भी रही है, हर जगह जो है ये हर उसमें कोशिश ही कर रही है। अब दामी तो परसों आया, उसको 4-6 महीने भी नहीं हुए हैं, अगर पहले आता तो कुछ करता, तो पहले वालों ने भी किया, तो जो भी चल रहा है वो चल ही रहा है, क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है सही अच्छा हो रहा जी। तो जिस तरीके से हमने काफी सारी लोगों से बातचीत की है और हमने ये भी जाना है कि अभी भी लोगों में असमंजस का माहौल बना हुआ है, लोग जानना चाहते हैं और इस चीज को भी कंफ्यूज हैं कि शायद धामी हो सकते हैं इस बार उम्मीदवार, और या फिर वो भी हो सकते हैं कि हरीश रावत सत्ता में आ जाएं, इस चीज को लेकर अभी भी कंफ्यूजन में है जनता। तो हम इनसे जानते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव सर करीब है और ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि सत्ता की कुर्सी पर कौन सी पार्टी का उम्मीदवार बैठे? मैं तो दोनों पार्टियों को नहीं चाहता हूँ कि कोई और पार्टी आए, तो बड़ी बढ़िया है। जितने भी आज तक पार्टियाँ आई है किसी ने कुछ नहीं कर रहा, अपने एजेंडा होता है कि सत्ता में आके अपने लिए नोट इकट्ठे करना और कुछ नहीं, देश के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी हो, सबका एक अपना एजेंडा होता है कि अपनी एक पार्टी बना के अपने लिए करना है बस, और किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं खुद पॉलिटेक्निक का छात्र हूँ, मैंने उत्तराखंड में जब भी जहाँ भी एग्ज़ाम देना चाह वहाँ मुझे वही दिखा कि पहले तो भर्तियाँ आती नहीं, जब भी भर्ती आती है तो उसमें जो जिसका जिस पार्टी का चय था या उनका जानने वाला उन्हीं का सब कुछ होता है, बाकी जो लड़के हैं वो सब बेरोजगार घूम रहे हैं अपना, कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई किसी सेक्टर में कुछ कर रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, काम जो है नहीं करती कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस आई, कांग्रेस ने भी अपना जो करना था करा, चली गई, फिर जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उन्हें जिताया, तो उनका भी कोई काम मुझे धरातल में दिख नहीं रहा है कि उन्होंने भी कुछ किया है। अभी आप ये देख लो कि 5 साल के अंदर अंदर कितने मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, ये कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक बार जब बनता है तो उसको इतना करना चाहिए कि 5 साल के अंदर लोग उसका नाम लें, कि कोई भी चीज़ करें तो दिखें और धरातल पर, तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा खासकर, और इसीलिए हम राजनीति से दूर रहते हैं, हमारा कोई राजनीति में कोई भी। पर आपके हिसाब से कौन हो सकता है इस बार सीएम की असल लगता? सीएम तो देखिए अभी जैसे भी सर्वे देख रहा हूँ तो अभी तो बीजेपी आगे हैं, कांग्रेस के चांस कम है, बाकी आगे देखते हैं क्या चुनाव के क्या परिणाम रहते हैं। आपने जैसा कि कहा कि आप पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे इस टाइम 2022 इलेक्शन करीब है और ओमिक्रॉन का खतरा लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है, 4 केसेस आ चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे कि सरकारें अपने इलेक्शन रैलियों पर ध्यान दे रही है या फिर जनता के स्वास्थ्य पर? मैडम, जनता के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपको बताया जाए तो अभी आप दोनों हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ देख लो क्या केसेज है, जो भी है, जो भी बीमारियां लो, जनता पे कोई किसी का ध्यान नहीं है, सबको अपना इलेक्शन करवाना है, अपनी पार्टी की जीत करवानी, इसी में सब लगे हुए हैं, रैलियां हो रही है, अभी मैं पीछे से आ रहा था हाथी पटकला की तरफ से, वहाँ भी
कोई रैली हो रही है, वहाँ भी तो एक सभा संबोधित कर रखी किसी ने, तो वहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि सबको अपने जो है चुनाव के लिए सब जोर शोर से लगे हुए हैं, और बाकी जो भी कोविड चल रहा है, ओमिक्रॉन चल रहा है, जो भी बीमारी है उसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है मेरे नज़रिए से। बाकी आप देख ही सकते हो, आप मेरे से ज़्यादा मार्केट में घूमते हो, तो ये सब चीज़ें जो है नहीं हो रही है। प्रशासन भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है, सब बस अपने काम में लगे हुए हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि लगातार कोरोना का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके बावजूद भी सरकारें सिर्फ अपनी रैलियां निकालने में व्यस्त हैं, क्योंकि आपके हिसाब से सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम तो जो अभी नया धामी जी है, तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, अच्छे अभी कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे हिसाब से कुछ न्यूज़ ज़्यादा सही है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार सीएम का उम्मीदवार कौन हो सकता है, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी? इस बार पार्टी वो सत्ता में आए जो बेरोजगारों का ध्यान रखे, महंगाई को कम करे, इसको देखते हुए उस पार्टी को सत्ता में इस बार आना चाहिए। और इस बार मेरे ख्याल से जो पार्टी नौजवानों का ख्याल रखे, बेरोजगारी का ध्यान दे, और जो हमारे जो बीच आम दिक्कतें हैं उत्तराखंड में उसको उसका समाधान करे, उसी पार्टी को इस बार आना चाहिए। जैसा कि हमने जनता की राय जानी और उनमें सबने यही कहा है कि जो भी सरकार सत्ता में आएगी उन्हें जनता के निजी मुद्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे वो पलायन की समस्या हो, चाहे वो पहाड़ से जुड़ी समस्याएं हो, शिक्षा व्यवस्थाओं पर खास ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बेहतर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, चुनावी माहौल बना हुआ है, इस बीच उत्तराखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, ओमिक्रॉन का लगातार खतरा बढ़ना, इस चीज़ पर कहीं ना कहीं अभी भी ढिलाई की जा रही है। बाजारों में लगातार रौनक है, काफी सारे जनों के मुंह पर मास्क नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।